आप एक पग डॉग खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो आपके ही लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो में आपको पग डॉग के 5 बेनिफिट्स बताऊंगा एंड 5 जो पग डॉग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी तो उस पर हम जो है इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि पग डॉग पर कौन से प्रॉब्लम होते हैं एंड पग डॉग जो है उसके बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे क्या है और प्रॉब्लम मतलब पग डॉग अगर हम घर में रखते हैं तो हमें जो है पग डॉग के साथ क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी एंड क्या बेनिफिट्स होगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है ज़रूर से पूरा देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर से दबा लेना। तो सबसे पहले हम पग ब्रीड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो है इनका ओरिजिन चाइना से है एंड ये पग डॉग जो है चाइनीज़ ब्रीड है एंड इनको जो है कई जगह मिनी मैस्टिफ या फिर कोई कोई और नाम से जाना जाता है एंड पग डॉग जो है एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है एंड पग जो है काफ़ी क्यूट होते हैं एंड ये जो है सबको पसंद आते हैं एंड पग डॉग जो है वोडाफोन वाला डॉग इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पग डॉग के 5 प्रॉब्लम्स बताऊंगा एंड जो है पग डॉग के उसके बाद 5 बेनिफिट्स बताऊंगा। तो चलिए करते हैं फाइनली स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है पग का ये है कि हेल्थ एंड डाइजेशन इशू, मतलब इस डॉग को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम हो जाती है एंड इसे जो है डाइजेस्ट करने में फूड मतलब थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि जो है इनके हेल्थ प्रॉब्लम का रीज़न है। अगर आप इन्हें जो है ज़्यादा खाना देते हो तो ये काफ़ी जल्दी जो है ओवरवेट हो जाते हैं एंड उसके कारण से इनका जो है डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता ओवरवेट होने की वजह से। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने जो है पग को जितना सफिशियंट है उतना ही खाना दे एंड अगर आप उसे जो है ज़्यादा खाना दोगे तो वो जो है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस कारण की वजह से उसे जो है डाइजेस्टिंग इशू भी हो सकते हैं। एंड जो सेकंड प्रॉब्लम जो है पग्स में काफ़ी आसानी से देखने को मिलती है वो होती है उनकी आई प्रॉब्लम, मतलब जो है पग का फेस जो है काफ़ी बड़ा होता है एंड उनके आईज़ भी जो है बड़े बड़े होते हैं। तो उसके कारण जो है उन्हें आई इन्फेक्शन होता है एंड उसको जो है आपको काफ़ी केयर करनी पड़ेगी पग की एंड उसके जो है रेगुलर आपको जो है उसके आईज़ में ड्रॉप डालने पड़ेंगे तो उससे जो है उसकी आई इन्फेक्शन कम होगी एंड वो जो है हेल्दी रहेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है नॉट फॉर गार्ड पर्पोज, मतलब आप अगर आपके पास पग है तो उससे ये उम्मीद मत करना कि वो आपको जो है प्रोटेक्ट करेगा या फिर आपको घर को जो है गार्ड करेगा, मतलब थोड़ा बहुत बार्क वगैरह कर लेगा बट जो है वो गार्ड नहीं कर सकता आपके घर को। पग जो है एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड है एंड उसे जो है लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा लगता है एंड लोगों के जो है साथ नए नए दोस्त बनाना पग डॉग को अच्छा लगता है। फोर्थ पॉइंट जो है पग का ओवरवेट, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर आप उन्हें जो है ज़्यादा खाने को दोगे तो वो जल्दी से ओवरवेट हो जाएगी एंड उनके जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओवरवेट पग जो है काफ़ी लेजी हो जाते हैं। एंड लास्ट प्रॉब्लम एंड मेजर प्रॉब्लम ये है पग में एंड 5th नंबर का प्रॉब्लम है वेदर प्रॉब्लम। वेदर प्रॉब्लम मतलब जो मौसम होता है उसका उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप उन्हें ज़्यादा ठंडी जगह में रखोगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे एंड आप जो है उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पर रखोगे मतलब ज़्यादा गर्म या वेदर में रखोगे तो भी वो सहन नहीं कर पाएंगे। आपको जो है अगर आपके यहाँ पर ठंड गिरती है तो आपको उसे जो है स्वेटर पहना देना है एंड अगर आप जो है मतलब समर होता है तो धूप ज़्यादा होती है तो उसमें जो है आपको उसे घर के बाहर नहीं निकलने देना एंड उससे जो है उसे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड पग में एक और प्रॉब्लम होती है उनके जो है ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है तो उसका भी आप जो है ख्याल रख लेना। और अगर वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर पग जो है अच्छी ब्रीड होती है एंड मैं इस वीडियो में उसके जो है 5 बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। पग का जो पहला बेनिफिट ये है कि वो गुड टेम्परामेंट एंड फ्रेंडली डॉग होते हैं, मतलब आपके और आपके दोस्तों के साथ और आपके फैमिली मेम्बर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रहेंगे एंड कुछ गार्ड डॉग ऐसे होते हैं जो जिन्हें वो जानते नहीं तो सीधा उन पर अटैक कर देते हैं तो पग वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा एंड ये जो है एक फ्रेंडली डॉग है। एंड सेकंड जो इसका बेनिफिट ये है ये जो है स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है और इसको जो है छोटे जगह पर भी अगर आप रखोगे, अगर आपका घर छोटा है 2 या फिर 3 रूम का तो उसमें भी ये काफ़ी आसानी से
रह पाएगा। एंड इसे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे एक कोने पर बैठा सकते हो। एंड थर्ड बेनिफिट ये है पग का, इसका जो है फ्रेंडली नेचर होता है एंड ये फैमिली मेम्बर्स एंड अदर पेट्स के साथ भी अच्छा रह सकते हैं। मतलब अगर आप जो है रॉटवाइलर डॉग एंड एक बिल्ली को कमरे में रखोगे तो वो रॉटवाइलर जो है बिल्ली को सीधा मार देगा, फाड़ देगा। अगर आप पग को किसी बिल्ली के साथ भी रखोगे तो वो जो है काफ़ी फ्रेंडली रहेगा और आप जो है उसे किसी भी डॉग के साथ मिलाओगे तो वो झगड़े बिल्कुल भी नहीं करेगा, अच्छे से खेलेगा एंड फ्रेंडली नेचर का होता है पग। फोर्थ पॉइंट ये जो है इनका जो है लो मेंटेनेंस होता है एंड लो मंथली कॉस्ट लो होता है। मतलब इसका लो मेंटेनेंस मतलब इसके कुछ ज़्यादा शेडिंग नहीं होती, हेयर फॉल ज़्यादा नहीं होती एंड इसके कारण जो है इसे महीने का खर्चा भी काफ़ी कम लगता है। एंड लो मंथली कॉस्ट मतलब हम जो है उसे खाने को देते हैं तो छोटे साइज़ का डॉग ब्रीड कम खाता है एंड इसका वेट भी कम होता है, तो इस पर हम अगर उससे इस पर जो है ज़्यादा खर्च नहीं होता। सपोज़ जर्मन शेफर्ड डॉग है, उसका एवरेज वेट जो है 30 से 40 किलो होता है, तो उसे जो है हर महीने 2.5 से 3 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। एंड पग जो है उसके कंपेयर में काफ़ी छोटी डॉग ब्रीड है, तो पग को जो है 800 से 1200 रुपये पर मंथ का कॉस्ट आता है। तो ये इसमें जो प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करें पग डॉग के प्राइस की तो पग डॉग का प्राइस इंडिया में जो है मेल का प्राइस 9000 से लेकर 12000 तक जाता है एंड फीमेल का प्राइस 8000 से लेकर 10000 तक आपको बड़े आसानी से पग इंडिया में मिल जाएंगे। फिफ्थ नंबर का लास्ट बेनिफिट है पग का कि इसकी लाइफ स्पैन जो है 12 से लेकर 15 साल तक की होती है। मतलब ये जो है आपके साथ 12 से लेकर 15 साल तक रहेंगे एंड आपके साथ अच्छे से रहेंगे। अगर मैं आपको जर्मन शेफर्ड या फिर रॉटवाइलर की बता दूँ तो रॉटवाइलर 8 से 10 साल जीता है एंड जर्मन शेफर्ड 9 से लेकर 13 साल तक जीता है। तो इस पर अगर आप इस छोटी ब्रीड के साथ जाते हो तो ये आपके साथ जो है ज़्यादा टाइम तक रहेगा, 12 से लेकर 15 साल तक। और यही सब ये पॉइंट है, 5 प्रॉब्लम्स एंड 5 बेनिफिट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय बाय। In my mind, I can't get 'em out, no matter how hard I try.